नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नवाफ, और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा मेरे बिजनेस के बारे में, जो मेरा एक साइड बिजनेस है वो कैसे चल रहा है और वो कैसा है, उसके बारे में हमने ये वीडियो बनाया है आज। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, क्योंकि इस चैनल पे होती है सिर्फ जहाजी के लाइफ रिलेटेड बातें, ऐसी बातें जिससे जहाजी को मोटिवेशन मिले और जहाजी को अच्छी वर्क प्रैक्टिसेस करने का एजुकेशन मिले, और उसी के साथ साथ जहाजी की लाइफ जो है वो हर दिन के साथ इम्प्रूव होती जाए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त नवाफ और आप देख रहे हैं शिपमेट नवाफ काजी। जी हाँ, तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने घर पे, और अब मैं जाऊँगा अपने शॉप में जहाँ पर मेरा बिजनेस लोकेशन है, वहाँ पर आपको लेके जाऊँगा। और प्लान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि सुबह में तो अच्छी खासी धूप निकल आई थी, लेकिन अब ज़ोरदार बारिश हो रही है बाहर, लेकिन फिर भी हम चलेंगे इस बारिश में और देखते हैं। चलो आइए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं अब आके बैठा हूँ अपनी कार में, और अब चलते हैं सीधा अपने शॉप की तरफ। आइए। दोस्तों, जब तक हम हमारे शॉप पे पहुंचते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं ये क्या स्टोरी थी रिगार्डिंग माय बिजनेस, कैसे मेरे दिमाग में आइडिया आया, क्या हुआ। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, मैं तो जहाजी हूं, हमें तो जहाज पे सेल करने में मजा आता है, और करियर अपना बहुत अच्छा है, हम खुश हैं, कोई मतलब करियर से उदास हो गए, दुखी हो गए, इसलिए शॉप खोला, ऐसी कोई बात नहीं थी। एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक शॉप खरीदा, ये वाला जो शॉप है वो 2013 में इससे खरीदा था, ओपिनियन से कि कल को रेंट अच्छा आएगा, या अगर बेचना है शॉप तो मुझे अप्रिसिएशन होके थोड़ा पैसा देके चला जाएगा। उसके बाद शॉप का लोकेशन काफ़ी अच्छा था मैंने जो चुना था, एंड शॉप खरीदने के बाद ढाई साल तक मैंने शॉप में कुछ नहीं किया एक्टिविटी, क्योंकि कभी कोई रेंटर आता था जो मुझे पसंद नहीं है, मतलब उसका बिजनेस पसंद नहीं है मुझे जो करने वाला है वहाँ पर, और कभी ऐसा रेंटर आता था जो रेंट मुझे जितना रेंट एक्सपेक्टेड है उतना रेंट नहीं दे पा रहा था। तो इसी के चक्कर में ढाई साल तक शॉप बंद रहा, फिर बाद में अपॉर्चुनिटी आई एक फ्रेंचाइजी खोलने की, आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी, तो मैंने उसको ले लिया, चालू कर दिया। बाद में शॉप का इतना रिस्पॉन्स अच्छा चला, और लोकेशन की वजह से मैंने और भी चीज़ें उसमें चालू करी है एक सर्वाइवल होने के लिए। तो अभी मेरा शॉप ऐसा है कि कोई भी सीज़न हो, जैसे आइसक्रीम का सीज़न सिर्फ गर्मियों का होता है, या जब ज़्यादा ठंडियाँ नहीं होती तभी का सीज़न होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आइसक्रीम का सीज़न तो बंद है। तो इस चक्कर में शॉप कैसे सर्वाइव होना चाहिए, इसका प्लानिंग मैंने 3 साल पहले ही किया था, इनफैक्ट 4 साल पहले, और उसी का आज जो है मेरा काम चल रहा है उसी के ऊपर। तो आइए दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है शॉप, लोकेशन क्या है। तो दोस्तों, ज़्यादा दूर नहीं है मेरा शॉप मेरे घर से, गाड़ी से आपको समझ लो 4 मिनट में आप पहुंच जाते हो, और मेरा घर भी एकदम लोकेशन सिटी में है, तो काफ़ी नज़दीक है घर, चल के भी आप जाओगे तो मेरे ख्याल से 15 मिनट में पहुंच सकते हो। मैं कभी कभी साइकिल लेके जाता हूँ, तो साइकिल लेके राउंड मारने के लिए जब जाता हूँ तब मुझे लगते है 10 मिनट करीबन पहुँचने के लिए, 8 से 10 मिनट, कार से तो 4 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं। तो चलो पहुंचने वाले हैं, देखते हैं कैसे है अपना शॉप और क्या क्या है, बेसिक आपको एक फेयर आइडिया आ जाएगा।
मॉर्निंग टाइम मैंने इसलिए चूज किया दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं अराउंड 11 o'clock, क्योंकि शाम को शॉप पे थोड़ी भीड़ होती है और सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये पहुंच गए हमारे लोकेशन पे। ये पूरा हाईवे पे एकदम लोकेशन है, ये सीधा आगे जाता है एयरपोर्ट पे, ये एयरपोर्ट रोड है और यहाँ पर है हमारी शॉप। नीचे उतर के मैं दिखाऊंगा, ऑफ कोर्स पहले गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढते हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि ये मेरा शॉप जिस बिल्डिंग में है, उस बिल्डिंग में काफी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ऑफिस है। ICICI लोम्बार्ड हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, ग्रुप फाइनेंस हो गया, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गया। ये सारे होने की वजह से यहाँ पर भीड़ काफ़ी होती है, तो इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पे जा रहा आया हूँ, तो शाम के टाइम पे ज़्यादा भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने शॉप में भी भीड़ रहती है। अंदर पंजाब नेशनल बैंक है। तो चलो दोस्तों, पार्किंग स्पॉट तो मिल गया है, अब हम चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं शॉप में क्या क्या है, कैसा है, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर है, तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा रहती है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए मैं मास्क लगाऊंगा और आपको अब मैं शॉप का अंदर का दिखाऊंगा कैसे वीडियो क्या है। थोड़ी सी ट्रैफिक है, तो आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी है मेरे पास, वाड़ीलाल प्योर हैप्पीनेस आइसक्रीम की फ्रेंचाइजी है। और अब हम चलते शॉप के अंदर, इंटर करते। आज सैटरडे होने की वजह से आज भीड़ यहाँ पर कम है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक बंद है। अदरवाइज़ पंजाब नेशनल बैंक जब खुली होती है और ऊपर के ऑफिसेज खुले रहते तो बहुत भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने आज का दिन चुना है। ये है दो काउंटर्स, इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको बाद में। चलिए पहले शॉप के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म फॉलो होने की वजह से हम ये सब सामान बाहर रख रहे हैं, जो डेली नीड्स का सामान है, छोटा मोटा सामान जो है उसको बाहर रख रहे हैं, ताकि बाहर के बाहर कस्टमर जो है दूध ब्रेड अंडा लेकर चला जाए। मोस्टली आपको दिखेगा यहाँ पर इम्पोर्टेड स्टफ़ है बाहर से, अंदर से मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बताया, वाड़ीलाल आइसक्रीम की प्योर हैप्पीनेस की फ्रेंचाइजी है, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट डीप फ्रिज, वाड़ीलाल आइसक्रीम्स यहाँ पर है। अभी रिसेंटली हमने चालू किया है वापस स्टॉक वाड़ीलाल आइसक्रीम का, क्योंकि लॉकडाउन में बंद किया था कोरोना वायरस के चलते हुए। इसमें आप टॉपिंग्स ऐड करके दे सकते हो। तो बेसिकली आप देखो दोस्तों, ये जो शॉप है इसमें आपको सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं है, इसमें आपको इट्स नॉट ओनली आइसक्रीम हियर, यहाँ पर आपको कन्वीनियंस स्टोर जैसा है, तो आपको सारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं आपको जो लगने वाली है वो सारी आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। सॉसेस, केचप्स, मसाले, चॉकलेट्स का तो भंडार है भाई यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हैं। शॉप का डिफरेंस बाकी शॉप से यही है दोस्तों कि यहाँ पर हमने ट्राई अटेम्प्ट किया है कि इम्पोर्टेड स्टफ जो है जो नॉर्मली शॉप्स में नहीं मिलता है वो सारा यहाँ पर आपको मिल जाए। तो यही है अपने जहाजी का कंसेप्ट, जो जहाज पे देखा है खाने वाली चीज़ अपने घर में भी मिलनी चाहिए, यही कंसेप्ट से ये शॉप खुला हुआ है। यहाँ पर हम बनाते हैं स्नैक्स भी, आपको मेन्यू दिखेगा, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा स्नैक्स बंद है। यहाँ पर ऊपर सीटिंग अरेंजमेंट भी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर आप यहाँ पर बैठकर आइसक्रीम्स खाना चाहते हो या अगर आप बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें कुछ खाना चाहते हो, तो आइए देखते हैं।
तो जी हाँ दोस्तों, मैं अब आ गया हूँ शॉप से वापस अपनी कार में। तो सबसे पहले सैनिटाइज किया जाएगा हाथों को अच्छे से। मास्क तो पहना हुआ ही था थ्रू आउट द व्लॉग, तो कोई इशू नहीं। तो अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, थोड़ी एसी ऑन हो जाएगी। ठीक है, दैट्स गुड नाउ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है सबक जो है इस वीडियो का, ये वीडियो मैंने अपने पोजीशन से और मेरे पास क्या क्या चीजें ये बताने के लिए नहीं किया। ये वीडियो मैंने बताने के लिए आपको इसलिए किया कि आप भी ऐसे बिजनेस कर सकते हो और आप अपने आप ऑटोमेटिक में चल रहा है। जैसे अगर ये शॉप को अगर आप एक शिप पकड़ोगे, तो मैं हो गया शिप ओनर और वो शॉप को जो चला रहा है वो हो गया कप्तान उस शॉप का या उस शिप का। तो बेसिकली शिप ओनर को पैसा मिल रहा है, शॉप जो है वो कप्तान चला रहा है और कप्तान को उसकी सैलरी मिल रही है। लेकिन यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर नहीं है, मैं उसको कोई सैलरी देता नहीं हूँ। इनफैक्ट वो एक फिक्स्ड अमाउंट मुझे देता है हर महीना। और तो दोस्तों जी हाँ, 5 साल से अगर ये चल रहा है तो ऑब्वियसली कि इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल, इसलिए चल रहा है। उसको कहने का मतलब ये है कि आप भी हौसला करिए और रिस्क लीजिए दोस्तों। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो फर्स्ट थिंग इज आप डिसाइड करिए कि आप बिजनेस करना चाहते हो कि नहीं। अगर आपका नीश नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो बिल्कुल भी मत करना। कोई और कर रहा है इसलिए मुझे करना है, बिल्कुल भी मत करना। लेकिन आपको वो इंटरेस्ट है, वो जज्बा है, तो इसके लिए आप जरूर करिए। अब दोस्तों क्या मुझे इसकी जरूरत है, मॉनेटरी रीजंस, मॉनेटरी पैसे वाइज क्या मुझे इसकी जरूरत है, तो दोस्तों नहीं है। अभी के टाइम पे, आज के वक्त में जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, मुझे इस शॉप के इनकम की जरूरत नहीं है। आई एम सेल्फ सफिशिएंट विद माय सैलरी। फिर मैंने इसको क्यों किया दोस्तों, देखिए कैसा है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती है कि अगर आप जंगल में घूम रहे हो और आपके पास बंदूक है, तो उस बंदूक में गोली हमेशा डाल के रेडी रखिएगा। यूज करनी पड़े नहीं पड़े, फिर भी गोली हमेशा डाल के रेडी रखिएगा, ताकि अगर इन केस कभी यूज करनी पड़े तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आपके पास बंदूक ऑलरेडी लोडेड है, आप जस्ट शूट कर सकते हो उसको। तो दोस्तों वही है, ये मेरे पास जो है मेरा शॉप रेडी है, ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है। अगर अभी तो ठीक है, अभी तो मेरा सैलरी से अच्छा सब चल रहा है, घर मुझे कोई इश्यू नहीं है। लेकिन फ्यूचर का प्रिपेरेडनेस, घाजी बेसिकली क्या करता है, हम लोग हैवी वेदर की लैशिंग कब लेते हैं, हैवी वेदर में लेते हैं या हैवी वेदर आने के पहले लेते हैं? दोस्तों हैवी वेदर आने के पहले हम लोग लैशिंग लेते हैं, राइट? तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द हैवी वेदर। तो उसी तरह से दोस्तों, कल को मान लो अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि सेलिंग नहीं कर सकते हम, या कुछ इश्यू हो गया, मेडिकल इश्यू कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कल का किसने देखा है। अगर ऐसा हो गया तो एक बना बनाया बिजनेस रेडी है अपने पास। तो यही एक मोटो है इस व्लॉग का दोस्तों, कीप योरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द रफ वेदर ऑलवेज। आई होप आई हैव एड्रेस्ड व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस हियर। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे चलाए, कैसे मतलब जहाज पे जाएंगे तो कौन चलाएगा, तो दोस्तों चलता है। आपको एक मैनेजमेंट स्किल्स थोड़ी सी यूज में लाइए जहाज की, और आई थिंक सो इट इज फाइन। चलते दोस्तों, घर जाना है, मुझे थोड़ा सामान खरीदना है और सामान खरीद के मुझे घर जाना है, तभी खाना बनेगा। दोपहर का 11:30 हो गया है। व्लॉग को मैं एंड करता हूँ जल्दी से, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं हूँ आपका दोस्त। दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए सब्सक्राइब, मुझे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। मैं हूँ आपका दोस्त नवाब, बाय बाय।